क्या हाल चाल फ्लोडो स्क्वाड कॉन्करर रैंक पुश पब्लिक। तो गाइस आज होने वाला है दो मैच एरेंगल का, दोनों एरेंगल का मैच होने वाला है। एक इवेंट वाला होने वाला है, एक बिना इवेंट वाला होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट मैच में आया था सर्वर रैकर, तो मैंने सोचा किल उठाया जाए, तो मैं उठाता हूँ घोड़ा और दौड़ता हूँ किल की साइड। ठीक है, तो सामने मेरे को एक बॉट दिखता है, पहले देखो इसको कैसे देता हूँ। मैंने तो सोचा था बोट था, ये दो बंदे को पेल के मतलब चक्कू से पेल के उसके बाद उसको मतलब भाग रहा था, तो मैंने उसको पीपी से मार दिया, मतलब बहुत गंदा मैंने स्प्रे मारा है, वो इसको इग्नोर मारो। अब सामने देखो बंदे, और आपको बताओ सर्वर हैकर कौन था जो प्लेन में फर्स्ट पर नाम नहीं आया था, वही था सर्वर हैकर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे, मेरा टीममेट आ चुका, तो मेरा टीममेट बोलता है रिकॉल करो, अब देखो ये बंदे को कैसे मारता हूँ। अब इस बंदे को लॉक करता हूँ, चलते चलते फिनिश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा 4 किल हो चुका था, और मैंने अपने टीममेट को रिकॉल भी करना था, तो मैं आ जाता हूँ रिकॉल साइड, क्योंकि मेरे टीममेट को रिकॉल करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, समझ रहे हो, कि वो किल हो गया। अब सर्वाइवर पॉइंट निकालेंगे तो प्लस निकलेगा। ठीक है, और आप लोग का कॉन्करर कैसा चल रहा है कमेंट में जरूर बता लो, आप क्या चीज में हो स्क्वाड, मतलब क्या चीज पे हो अभी, मतलब जैसे वो क्राउन हो गया, एस हो गया, एस मास्टर हो गया, एस मास्टर तो कॉन्करर में ही जा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं हो गया, S2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार कितने पे हो, कॉन्करर हो गया कि नहीं हुआ ये बता दो। ठीक है, मैं आ जाता हूँ सर्वाइव करने के लिए लास्ट सर्कल, इसके बाद मतलब सर्कल था, इसके बाद बहुत ज़्यादा छोटा सर्कल था, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्वाइव कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ सर्वाइव कर रहा था, मेरा पिंग बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, तो मेरे से पीछे साइड देखते हैं मेरे को एक बंदा, देखो फिर उसको कैसे मारता हूँ। अब इस बंदे को मैं जैसे मारता हूँ ना, मतलब बोट ही होता था, मेरे टीममेट बोलता है कि सामने साइड सर्कल तो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बस सर्कल बहुत गंदा कटने वाला था, देखो कैसे सर्कल देखो, मैंने एक जैक वो मार्क कर रखा था, सर्कल उधर ही जाएगा और सर्कल उधर ही भी जाता है, देखो आप मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखो सर्कल मैंने जिधर मार्क किया था परफेक्ट वाला उधर ही गया है। ठीक है, अब मेरा टीममेट बोलता है चलो यहाँ से चलते, मैंने बोला ठीक है यार चलते, क्या दिक्कत है आराम से। और इसमें भाई जो सेकेंड मैच है ना, उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है कुछ कहने का नहीं, तो गाइस इस पे कम से कम 200 व्यूज़ ला दो, कम से कम 200 व्यूज़ रहना चाहिए इस वीडियो पे। ठीक है, देखते हो आप लोग कितना व्यूज़ लाते हो, शेयर करना फटाफट। ठीक है, तो ऐसे मैं रेगुलर वीडियोस लेके आता हूँ, आप लोग अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो हम लोग को ज़्यादा रीच पे मेरा टीममेट क्या बोलता है सुनो। अच्छा ट्राई करते हैं, बंदे कहीं होके तो थोड़ा राइट जंप करना पड़ेगा, मेरा टीममेट बोलता है सर्कल पकड़ना जरूरी है, रिच पे से बंदे आ गए, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो हम आ जाते ऊपर की साइड। अब जैसे मेरे को टीममेट बोलता है तू आगे जा, मैंने बोला ठीक है मैं आगे जाता हूँ, मैं आगे सर्वाइव करता हूँ, मेरा टीममेट बोलता फिर और आगे जा, मेरे और आगे कितना आगे जाऊँ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो और आगे मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा, और आगे 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 करते करते मैं इधर की साइड आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को सर्वाइव मेरे को वो कवर दे सकता था। ठीक है, मेरा टीममेट बोलता पीछे बंदा आ गया, मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, और देखो बंदे के कैसे मारता हूँ यार, चोको देता हूँ, चोको स्प्रे तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, गाड़ी जा रहा हूँ। अभी इस बंदे को जैसे फिनिश करता हूँ, सर्कल में चलो, और मैंने जोन स्टार्ट हो गया था, मेरे जाने वाला था सर्कल भाई, उसके बाद जो पता मेरे को साथ होता है ना यार, मैं तो आराम से लैम्बो लेके जा रहा था, ब्लैक वाले लैम्बो थे मेरे पास, मेरे टीममेट के पास सारी स्किन है लैम्बो के। ठीक है, तो मैं आ रहा था लैम्बो के, और भाई मेरे पीछे बंदा रहेगा फूस्ट ना कुछ ना कुछ, आप देखोगे तो बोलोगे भाई ये क्या हुआ। ठीक है, आपके साथ ये क्या हुआ, बस पहले ये चेक करो, रोटेशन दियो आगे थोड़ा। ये बंदा मेरे को फिनिश करने में लगा हुआ था, तो मेरा टीममेट मेरे को बचा लेता जब तक एक बंदा कर देता है मॉली। अब देखो अबे हेवी सीन है आगे, अब यहाँ पे तो मैं फिनिश हो जाता हूँ, चलते हैं मैं दूसरी वीडियो को, और जो है बिना इवेंट वाला ये चेकआउट कर लो, बिना इवेंट वाला खेल लेते हैं, और हम लोग को सर्वाइव कर लो लास्ट मतलब एकदम पूरा इवेंट के साइड साइड एरिया हम कवर करने वाले थे, और जैसे हम ये साइड पे आते हैं मेरा टीममेट बोलता है चलो शॉप की साइड भी चेक कर लो। ठीक है, शॉप की साइड बंदे हैं कि नहीं, का बंदे किल भी मार लेंगे, तो मेरे को पता चलता है यहाँ पे बंदे होते, देखो आपको क्या लगा बंदा है कि नहीं है। ठीक है, मेरे को परफेक्ट वाला पता चल जाता है, मैं अपना टीममेट को बोलता हूँ आजा बंदे, मैं टीममेट बोलता है ठीक है पहले दूर से एक बंदे को तो लॉक तो दे, ऐसे कैसे घुसेगा, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं पहले लॉक देते बंदे को। अब भाई आप मैं हल्का भी आपको मतलब कुछ समझ आता है ना मेरी वीडियो देख के यार, मतलब आपको कुछ भी पता चलता है कि हाँ कि बंदा सही बोल रहा है यार, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि गलत बोल रहा हो या सही बोल रहा हो, कुछ तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, दो बंदे होते हैं मेरे को पता चलता है दो बंदे। ठीक है, तो अब पहले फिनिश तो कर लूँ इसको, मेरे को ये बंदा गया किधर, मैंने फिनिश इसलिए किया कि इसके पास सेल्फ रिवाइव था, फिनिश करना भी जरूरी था। अब सामने एक बंदा था, अब देखो उसको कैसे लेता हूँ, अच्छा ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे मेरा किल हो जाता है, मतलब यहाँ पे 2 किल हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों बंदे के मारने के बाद मेरा 2 किल हो जाता है, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं सर्कल की साइड, क्योंकि अब थोड़ा सर्कल सर्कल खेलते हैं, तो आगे साइड जा रहा था सबने एक बोट होता है, देखो
आप नॉर्मल किल निकाल लोगे, समझ रहे हो? आप नॉर्मल बिना इवेंट वाला भी खेलोगे ना तो किल निकाल सकता है आप लोगों को। जैसे मैं खेल रहा हूँ आप लोग को भी वैसे ही खेलना है नॉर्मली, ठीक है? आप लोग चिल मार करो क्योंकि प्लस पॉइंट तो आपको मिलेगा ही आपके, कहा कि क्योंकि बंदे का टायर बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, मतलब एस मास्टर पे मिला। मतलब मेरे को अभी यहाँ से कॉन्कर के लिए मेरे को कितना प्लस चाहिए बताओ, अल्टीमेटली मेरे को कितना प्लस चाहिए होगा आप लोग गेस करो। चलो 200, 400, 600, 800, 700। अब ये बंदा यहाँ से जैसे जाता था मैं इग्नोर मारता हूँ वहाँ पे, ठीक है? और मैं आता तो इधर की साइड, मेरे को सर्वाइव करना था तो मैं आता तो इधर की साइड क्योंकि मेरे को सर्वाइव बहुत ज़्यादा जरूरी था। और थोड़ा साउंड का इग्नोर मारना यार क्योंकि मेरे घर के बगल से ट्रेन जाती रहता है, कचर कचर होते रहता है, ठीक है? उसका इग्नोर मारना, ठीक है? अब देखो बोट इसको जैसे मैं मारता हूँ, मेरा टीममेट बोलता थोड़ा सर्वाइव कर ले क्योंकि लास्ट अभी 31 बंदे बचे हुए, सर्कल भी कटने वाला है, ठीक है? मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यहाँ सर्वाइव कर ही रहा था। मेरा टीममेट बोलता चल अब आगे सर्कल की साइड। अब भाई ये मैच होने वाला 8 मिनट का और मैं यहाँ पे बनाता हूँ सर्कल। अब बंदा किधर, मतलब सर्कल किधर करता है मैं देखता हूँ और चलते हैं मस्त आगे की साइड क्योंकि आगे की साइड अभी सर्वाइव भी करना है ना थोड़ा, तो एंगल लेके पहले से बैठेंगे, ठीक है? तो आ जाते हैं हम इधर की साइड क्योंकि मेरे को एंगल लेना था। अब इधर से एंगल ले ही रहा था, मतलब खोज रहा था, मतलब अच्छा वाला एंगल मिल जाए क्योंकि पीछे पूरा जहाँ पे आप रुको पूरा रोटेट रोटेट मार के रुकना। अब देखो मेरे सामने से गाड़ी गुजरती है, अब ये गाड़ी वाला को तो मैं उतार नहीं पाता हूँ, ठीक है? तो इतना इग्नोर मारना भाई। इस मैच में मैं इतना ज़्यादा लॉक होता हूँ, इतना ज़्यादा लॉक होता हूँ कुछ कहने का, मतलब एक एक सेकंड पे बार बार मेरे को सिर्फ मेरे को लॉक दिया जा रहा था बंदा, सिर्फ मेरे को एक बंदा नहीं बहुत सारे बंदे, ठीक है? बंदा वो आगे चला गया था, मैं बोलता थोड़ा सर्कल पकड़ते हैं, सर्कल पकड़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। हमारे 30 वाले रेंज पे हम लोग को पता ही होता कि पीछे वाले वेयर हाउस में बंदा मेरा टीममेट बोलता गाड़ी लगा, तो मैं अपनी गाड़ी का कवर बना रहा था, ठीक है? सही से कवर बना रहा था, मेरा टीममेट होता है लॉक, ठीक है? अब लोग पहले पकड़ मेरे को, अब अपने टीममेट को जैसे रिवाइव करता हूं सामने गाड़ी फोड़ देता है बंदा और मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। स्मोक कर ले भाई इधर, तो मेरा टीममेट बोलता है सबसे पहले स्मोक करता हूं, मैं स्मोक करता हूं और मैं हील करना भी जरूरी था तो मैं यहां पे हील भी कर लेता हूं, ठीक है? अब मेरे को दिखता सामने वो बंदा मेरे को लॉक दे देता है, मैं इमरजेंसी होता है, देखो मैंने कितना बार लॉक होगा इमरजेंसी, तो मैं कर लेता हूँ रिवाइव, मतलब हो जाता हूँ। देखो सामने बंदे रश कर रहे हैं मेरे पे और यहाँ पे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, देखो कैसे बचता हूँ। यहाँ पे मेरा टीममेट बचा लेता है, ठीक है? यहाँ पे मेरे को अपना टीममेट मेरे को बचा लेता है क्योंकि बचाना तो जरूरी था। यहाँ मेरा टीममेट जैसे बचाता है मैं हो जाता हूँ अच्छे खासा खड़ा और मेरा टीममेट होता है सामने लेट गया, ठीक है? अब देखो मेरे साथ क्या होता है। अब सामने से बंदा अभी तो मैं 3 बार लॉक हो चुका था, ठीक है? मेरा टीममेट एक बार और रिवाइव करता है तीसरा बार और जैसे मेरा रिवाइव होता है मेरा टीममेट होता है लेफ्ट साइड नीचे छूट रहा था, ठीक है? मैं जैसे नीचे जाता हूँ देखो मेरे साथ क्या होता है। अब यहाँ पे मेरे को लॉक एंड फ्रीज दे देता था, मैं तो नेक्स्ट बाय।